आप देख रहे हैं शतक आज तक। कोरोना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग, ग्रामीण इलाकों में घर घर जाकर जांच पर जोर, ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश। अधिकारियों को प्रधानमंत्री की सख्त हिदायत, ग्रामीण इलाकों में आशा और आंगनबाड़ी कर्मचारियों को कोरोना के खिलाफ जरूरी संसाधनों से लैस किया जाए। पीएम ने एक बार फिर लोगों से की मास्क पहनने की अपील, कहा कोरोना से जंग के लिए दो गज दूरी भी जरूरी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चार राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ की हालात की समीक्षा, रिकवरी दर पर जताया संतोष। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा देश में इस वक्त 36 लाख से ज्यादा एक्टिव केस, चार दिनों में नए मरीजों के आंकड़ों में बड़ी गिरावट। दिल्ली में कोविड वॉर रूम की शुरुआत, सुबह 12 बजे से रात 12 बजे तक 25 लोगों की टीम हालात पर रख रही है नजर। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस के 13 मरीज भर्ती, एक की हालत गंभीर। यूपी में बढ़ाया गया कर्फ्यू, 24 मई तक आंशिक पाबंदी। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, फुटकर दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों को 1,000 रुपए महीने का भत्ता और 3 महीने के राशन देने का ऐलान। कोरोना के संकटकाल में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सकारात्मकता पर जोर दिया, कहा अगर तीसरी लहर आएगी तो उसे भी हराएंगे। कल मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा के दौरे पर सीएम योगी, कोरोना के हालात का लेंगे जायजा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को लिखी चिट्ठी, ओडिशा के 15 जिलों में 19 और ऑक्सीजन प्लांट की मांग की। 11 राज्यों में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस, स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 राज्यों में 15% से ज्यादा संक्रमण दर। देश में कोरोना के संक्रमण दर 21.9% से गिरकर 19.8% पर आई, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई है जानकारी। हर महीने बन रही कोवैक्सीन की लगभग 1.5 करोड़ डोज, नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा 10 करोड़ तक उत्पादन बढ़ाने का प्लान। यूपी में 24 घंटे में 12,547 कोरोना संक्रमित, राज्य में रिकवरी रेट 87.9%। यूपी में राशन कार्ड धारकों को 3 महीने मुफ्त राशन मुहैया कराएगी योगी सरकार, 15 करोड़ लोगों को होगा फायदा। नागपुर में 1500 से ज्यादा नए मरीज, करीब आधे मामले ग्रामीण इलाकों में आए हैं सामने। कर्नाटक में 41,000 से ज्यादा लोग 24 घंटे में संक्रमित, 349 की गई जान। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 22,000 के पार, 98 मरीजों ने गवाई है जान। केरल में 32,680 नए मामले, 96 मरीजों की मौत। जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में कोरोना कर्फ्यू की समय सीमा बढ़ाई गई, 24 मई तक जारी रहेगी सख्ती। 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में 3600 से ज्यादा लोग बीमार, 63 मरीजों ने गवाई है जान। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने भारत बायोटेक का ऑफर ठुकराया, वैक्सीन लेने के बावजूद हुए से संक्रमित, इलाज का खर्च देना चाहती थी कंपनी। बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 7,000 से ज्यादा मामले, 73 लोगों की जान गई। मेरठ में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर एक्शन, जमकर कटे चालान, शहर में पुलिस ने निकाला पैदल मार्च। गाजीपुर से बक्सर के बीच गंगा में शवों के जल प्रवाह का सिलसिला जारी, लगातार बहकर आ रहे हैं शव। सूरत में कोरोना सख्ती की वजह से रद्द हुई शादियां, बग्गी वालों की हालत खस्ता, घोड़े बेचने को मजबूर। पश्चिम बंगाल, कोरोना से निपटने के लिए वहां पर सख्ती बढ़ाई गई है, 30 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। दुर्गापुर में संक्रमण की रफ्तार रोकने के लिए लॉकडाउन का ऐलान, 16 मई से 30 मई तक सख्ती। हिमाचल प्रदेश में भी जयराम सरकार ने बढ़ाया कर्फ्यू, अब 26 मई तक कोरोना कर्फ्यू। असम में कर्फ्यू का बदला टाइम, अब दोपहर 12 बजे से सुबह के 5 बजे तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू। बनारस में ब्लैक फंगस से पहली मौत हुई, बिहार के मरीज ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। अलीगढ़ के बढ़ारी गांव में 3 दिनों में कोरोना से 5 लोगों की मौत, प्रशासन ने जांच शुरू की। भोपाल में फर्जी रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले की एसआईटी करेगी जांच, हालांकि फर्जी रेमडेसिविर इंजेक्शन देने के बावजूद कोरोना से ठीक हुए लोग। गोवा मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत पर राज्य सरकार ने पल्ला झाड़ा, जवाबदेही लेने से किया इनकार। गुजरात सरकार पर कांग्रेस का संगीन आरोप, रूपाणी सरकार छुपा रही है कोरोना के आंकड़े। आज तक से बोले उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत, हरिद्वार में हुए महाकुंभ को कोरोना स्प्रेडर बताना दुष्प्रचार। नोएडा में स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था, नीम के पेड़ के नीचे इलाज करवा रहे हैं मरीज। नोएडा में लॉकडाउन के दौरान जुआ खेलते हुए 18 लोग गिरफ्तार, एक घर में इकट्ठा थी भीड़। सीएम योगी ने अरुणाचल में शहीद हुए आईटीबीपी जवान को दी श्रद्धांजलि, देंगे 50 लाख रुपए की मदद। मलेरकोटला को नया जिला बनाने पर योगी का पंजाब के सीएम पर हमला, बोले ये संविधान के विपरीत। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू की बड़ी मुश्किलें, पुराने मंत्रालय में कई अनियमितता के मामले में पंजाब
विजिलेंस की टीम कर सकती है पूछताछ। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी और करीबियों से भी हो सकती है पूछताछ, बिल्डर को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने का। देवघर में 5 बाइक एम्बुलेंस को हरी झंडी, झारखंड में पहली बार शुरू हुई इस तरह की सेवा। चित्रकूट जेल में गैंग वॉर के मामले में बड़ा खुलासा, गैंगस्टर मुकीम और उर्फ काला को अंशु दीक्षित ने मारी थी 13 गोलियां। आजमगढ़ के पवई गांव में पुलिस का छापा, एक घर में भारी मात्रा में देसी शराब और विदेशी शराब की बोतलें बरामद। हाजीपुर में लग्जरी कार से भारी मात्रा में शराब बरामद, दो लोग गिरफ्तार, कार पर लगा था कोरोना आपातकालीन सेवा का स्टिकर। भोपाल में आत्महत्या के लिए तालाब में कूदी युवती, बचाने के लिए भाई ने भी लगाई छलांग, गोताखोरों की टीम ने बचाया। मुंगेर में पुलिस के साथ झड़प और हाथापाई का वीडियो वायरल, दारोगा पर नशे में धुत होने का आरोप लगाकर की गई मारपीट। बेगूसराय में चोरों ने ठाकुरबाड़ी मंदिर का ताला तोड़ा, भगवान राम लक्ष्मण और सीता की अष्टधातु की मूर्तियां लेकर फरार। सासाराम में साइबर कैफे पर साइबर सेल का छापा, फर्जी पास बनाने वाले गिरोह के 5 बदमाश हुए हैं गिरफ्तार। गाजियाबाद में महिला की हत्या के मामले में सगा भाई और पति गिरफ्तार, आपसी झगड़े से परेशान होकर ली जान। सीकर में 15 लाख की लूट के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, लक्ष्मणगढ़ के कारोबारी के बेटे के साथ हुई थी वारदात। यूपी के शाहजहांपुर में 2 गुटों के बीच जमकर चले लाठी डंडे, 1 शख्स की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। दीवार तोड़कर अस्पताल के अंदर घुसी तेज रफ्तार कार, बाल बाल बचे लोग और मरीज। वैशाली एक्सप्रेस के पहिए में लगी आग, रेलकर्मियों की सतर्कता से टला बड़ा हादसा। दिन दहाड़े चाकू मारकर फरार 3 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा, सीसीटीवी से हुई आरोपियों की पहचान। चंद घंटों में सुलझा गैंगरेप का केस, चोरी के इरादे से घुसे थे बदमाश, तलाश जारी। लॉकडाउन में शराब की तालाबाजारी, भारी मात्रा में शराब बरामद। यूपी के रामपुर में कानून से बेखौफ दिखे कुछ लोग, मामूली विवाद में छत से जमकर की फायरिंग, वीडियो वायरल। रामपुर में गोलीबारी के दौरान 2 लोग हुए घायल, पुलिस ने आरोपियों की पहचान के बाद कार्रवाई का किया दावा। प्रतापगढ़ में 2 सगे भाइयों को बदमाशों ने मारी गोली, जिला अस्पताल एम्बुलेंस के लिए घंटों करना पड़ा इंतजार, 1 की मौत। बीजेपी विधायक के दखल के बावजूद देर तक नहीं मिली एम्बुलेंस, मृतक का शव ऑटो पर ले जाने की आई नौबत। फरीदकोट पुलिस ने 1 ट्रक ड्राइवर को ड्रग तस्करी में किया गिरफ्तार, नशे की खेप बरामद। नंदीग्राम के दौरे पर पहुंचे बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़, हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात। बाइक से बीजेपी कार्यकर्ता के घर पहुंचे धनखड़, नंदीग्राम में बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने की है उनकी अगवानी। पप्पू यादव ने पटना शिफ्ट करने का किया विरोध, कहा डीएमसीएच में हो इलाज या भेजा जाए दिल्ली। भारत लाया गया सौम्या संतोष का पार्थिव शरीर, इसराइल और फिलिस्तीन के बीच रॉकेट हमले में हुई थी मौत, केरल में होगा उनका अंतिम संस्कार। गंगोत्री धाम के कपाट खुले, कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक 25 पुरोहितों की मौजूदगी में खुला मंदिर। चक्रवाती तूफान ताउते पर पीएम मोदी की बैठक, सुरक्षा और राहत बचाव के सभी इंतजाम करने के निर्देश दिए। 5 राज्यों पर मंडरा रहा है ताउते तूफान का खतरा, लक्षद्वीप, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के तटीय इलाकों में अलर्ट जारी। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर में बन रहा है दबाव का क्षेत्र, 17 मई तक भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील होने का अंदेशा। शनिवार को गुजरात तट को पार कर सकता है चक्रवाती तूफान, कच्छ सौराष्ट्र कोस्ट गार्ड अलर्ट पर है, मछुआरों को समंदर में ना जाने की सलाह दी गई है। केरल में भी चक्रवाती तूफान को लेकर अलर्ट जारी, 5 जिलों में रेड अलर्ट, बाकी जगहों पर ऑरेंज अलर्ट।